अमेरिका और भारत समेत कई देशों से तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयारी करने के निर्देश दे दिए हैं। जी हां, आज पीएम मोदी ने चीन से विवाद के मसले पर बैठक की, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए और अपने तीनों प्रमुख के साथ चीन के इस विवाद पर बैठक की। इस बैठक में कई कड़े डिसीजन लिए और लद्दाख में जहां पर चीन के साथ फेस ऑफ चल रहा है, वहीं भारत में अपनी बढ़त बढ़ाते हुए आगे बढ़ने के लिए कहा। वहीं भारत को अब चीन के जवाब का भी इंतजार रहेगा। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं की तरफ से लद्दाख में चीन के साथ बने हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विस्तृत रिपोर्ट दी गई। इस बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद थे। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालातों के मद्देनजर आसपास मौजूद डिफेंस असेट्स और तनाव बढ़ने की हालत में रणनीतिक और सामरिक विकल्पों को लेकर सुझाव दिए। तीनों सेनाओं ने मौजूदा हालात को लेकर अपनी तैयारियों का ब्लूप्रिंट भी प्रधानमंत्री को सौंपा। दरअसल चीन पूर्वी लद्दाख इलाके में भारत की सड़क और अन्य सामरिक तैयारियों को लेकर परेशान है। वो चाहता है कि भारत इस इलाके में सभी तरह के निर्माण कार्य रोक दे, लेकिन भारत किसी भी निर्माण कार्य को रोकने के पक्ष में नहीं है। भारत इस बार चीन को उसी की भाषा में जवाब देने और आर पार के मूड में है। आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख से सटे चीन के इलाके में चीन और पाकिस्तान का शाहीन नाम का युद्ध अभ्यास चल रहा था। उसके बाद से चीन दौलत बेग, ओल्डी गलवान नाला और पेंगयोंग लेक पर 5,000 से ज़्यादा सिपाही टेंटों के साथ तैनात कर दिए। भारत ने भी चीन के सैनिकों के सामने बराबर की तादाद में टेंट गाड़ के अपने सैनिक तैनात कर दिए। इससे पहले 6 और 7 मई को चीन और भारत के सैनिकों की सीमा की निगरानी के दौरान पेंगयोंग लेक इलाके में झड़प भी हुई थी। इसके बाद से पूर्वी लद्दाख की सीमा पर लगातार तनाव बना हुआ है।